हम लोग क्या करते हैं कि होम मेनू का जो है मेनू जो था उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कुछ मेनू आपका बचा हुआ था। तो उसमें होम मेनू में कौन कौन सा मेनू आपका बचा हुआ है, तो एक आपका यहाँ से बुलेट्स एंड नंबरिंग है, बुलेट्स एंड नंबरिंग, ठीक है। तो बुलेट्स एंड नंबरिंग का काम क्या है कि जैसे कोई भी आप टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट से पहले किसी भी तरह का सिंबल यूज करना वो आपका बुलेट्स कहलाता है, और टेक्स्ट के पहले किसी भी तरह का नंबर यूज करना वो आपका नंबरिंग कहलाता है। जैसे देखिए, अगर हम यहां से ये ऐसा करके सिंबल दिए और यहां पर जो टेक्स्ट लिखना है लिख दिए, फिर यहां से क्या होगा कि फिर जैसे इंटरप्रेस करेंगे तो फिर आपका सिंबल आएगा और फिर जो टेक्स्ट लिखना लिखिए, और जैसे इंटरप्रेस करेंगे तो ये सिंबल आएगा। तो ये जो सिंबल यूज कर रहे हैं ये आपका बुलेट्स हुआ, और ये सिंबल के अलावा हम ऐसा सिंबल भी यूज कर सकते हैं, इस तरह का सिंबल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहां से ईटीसी कर लेते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि टेक्स्ट से पहले किसी भी तरह का सिंबल यूज करना वो आपका क्या कहलाता है, बुलेट्स कहलाता है, और टेक्स्ट के पहले किसी भी तरह का नंबर यूज करना वो नंबरिंग कहलाता है। तो जैसे नंबर क्या होता है, आप नंबर में कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 भी हो सकता है, नंबरिंग में आपका ABCD भी हो सकता है, नंबरिंग में आपका यहाँ से रोमन भी हो सकता है, चाहे कैपिटल रोमन हो चाहे स्मॉल रोमन हो। यानी कहने का मतलब क्या है कि टेक्स्ट से पहले नंबर यूज करना नंबरिंग, और टेक्स्ट के पहले जो है सिंबल यूज करना आपका बुलेट। तो इस तरह का क्या होता है कि जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को अरेंज करने के लिए जो है हम लोग बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज करते हैं। जब कोई डॉक्यूमेंट आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना होगा या लाइन बाय लाइन लिखना होगा और उसमें क्या करना होगा कि टॉपिक देना होगा, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, बुलेट्स एंड नंबरिंग का, ठीक है। अब चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस देख लेते हैं कि कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो इसका प्रोसेस होगा, आपको यहां से होम मेनू में जाना है, उसके बाद बुलेट्स एंड नंबरिंग पे जाइए, या तो आप बुलेट्स पे जाइए या तो नंबरिंग पे जाइए। इसके बाद क्या है कि चूज एनी सिंबल या नंबर स्टाइल, यानी दोनों का प्रोसेस सेम होने के कारण दोनों को एक साथ हम लिख दे रहे हैं। तो चूज एनी सिंबल या नंबर स्टाइल, ठीक है। तो जैसे चूज करेंगे तो आपका एक सिंबल आएगा, ठीक है, और इसके बाद क्या होगा या नंबर आएगा, और जैसे आप टेक्स्ट लिखने के बाद इंटरप्रेस करेंगे ऑटोमेटिक आपका जो है नंबरिंग बढ़ जाएगा या सिंबल आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लगातार लिखते जाएंगे और आपका जो है सिंबल या नंबर स्टाइल आता जाएगा, ठीक है। इसके बाद बुलेट्स एंड नंबरिंग के बाद इसी मेनू में आपको मिलेगा लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का काम क्या है कि ये आपको जो डॉक्यूमेंट में लाइन अरेंज करने के दौरान इसका यूज होता है। जैसे क्या होता है कि मान लेते हैं कि आपको एक डॉक्यूमेंट लिखे, उस डॉक्यूमेंट में क्या हुआ कि बहुत सारा लाइन अरेंज हुआ, अब हो सकता है कि एक लाइन के कारण क्या होता है कि आपका जो है दूसरे पेज पर आपका डॉक्यूमेंट चल जाता है, तब उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, लाइन स्पेसिंग जो है, यानी लाइन स्पेसिंग का मतलब कि एक लाइन और दूसरा लाइन इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है वो लाइन स्पेसिंग कहलाता है। तो दो लाइन के बीच का जो स्पेस होता है उसको कम और ज्यादा करने के लिए हम लोग लाइन स्पेसिंग का यूज करते हैं। इसका यूज करने के लिए आप यहां से होम लाइन स्पेसिंग पे जाइए, और चूज एनी लाइन स्पेस, ठीक है, और इसके बाद राइट एनी टेक्स्ट, जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे तो उस टेक्स्ट का लाइन स्पेसिंग अगर कम किए होंगे तो कम होगा और ज्यादा किए होंगे तो ज्यादा होगा, ठीक
ठीक है। और इसी होम मेनू में आपका एक और है शॉर्ट मेनू, ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट क्या होता है कि इसमें शॉर्ट ऐसे नाम है, लेकिन इसका होम मेनू में आप देखेंगे तो इसका लोगो जो है इस तरह से बना हुआ रहेगा। तो इस तरह से बना हुआ, इसका मतलब शॉर्ट क्या है कि एक आपका यहां से ऑर्डर है, शॉर्ट क्या है, ऑर्डर है। और इस शॉर्ट ऑर्डर में जाएंगे तो आपको दो तरह का ऑर्डर मिलेगा, एक आपका यहां से असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। पहला क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसका हिंदी नाम होता है आरोही क्रम और दूसरा अवरोही क्रम। यानी असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आरोही क्रम और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है अवरोही क्रम। और आरोही और अवरोही का मतलब होता है, इसका मतलब होता है बढ़ते क्रम में और इसका नाम है आपका घटते क्रम में। तो जैसे घटते क्रम का मतलब होता है जैसे Z Y X W V U ऐसे करके अगर लिखे तो ये घटते क्रम में होता है। या अगर हम यहां से लिखे 9 8 7 6 5 4 3 ऐसे करके, ये आपका घटते क्रम में होता है। तो ये आपका क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। यानी घटते क्रम में हम अल्फाबेटिकल को भी लिख सकते हैं और घटते क्रम में हम नंबर को भी लिख सकते हैं। और बढ़ते क्रम का मतलब होता है जैसे ए बी सी डी अगर ऐसा करके लिखे तो ये आपका बढ़ते क्रम में होता है। या नंबर को अगर बढ़ते क्रम में लिखे तो यहाँ से होता है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या होता है ना कि टेक्स्ट को अरेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का यूज करते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम कोई नाम लिखे यहाँ पे, यहां से नाम लिखे है राम, इसके बाद यहां से अंबर, इसके बाद आपका जो है कमल, इसके बाद यहां से विशाल। मान के चले कि हम यहां से चार नाम लिखे हैं और इन चार नाम को अगर हम क्या करें कि असेंडिंग ऑर्डर में अगर सजाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि बढ़ते क्रम में। इसका मतलब इन चारों नाम में जो नाम आपका पहले आएगा, यानी अल्फाबेटिकल में जो नाम पहले आएगा वो आपका पहले ही होगा। तो जैसे क्या होगा कि राम अंबर कमल और विशाल लिखा हुआ है, इसमें सबसे पहला राम जो है वो आर से है, अंबर आपका ए से, जिसका मतलब अल्फाबेटिकल में असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले ए आता है। इसका मतलब क्या होगा कि पहला नंबर पे आपका क्या होगा अंबर होगा। कब? जब आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तब, यानी बढ़ते क्रम अरेंज करेंगे तब। और इसके बाद दूसरा नंबर पे क्या होगा आपका यहां से के होगा, यानी है ना कि कमल जो है आपका दूसरा नंबर पे होगा, इसके बाद तीसरा नंबर पे आपका जो है राम होगा और चौथा नंबर पे क्या होगा आपका विशाल होगा। ये हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तब, यानी बढ़ते क्रम में करेंगे तब। लेकिन यही चीज अगर हम यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर का यूज करें, यानी घटते क्रम में अगर हम यूज करते हैं, तो इसका मतलब कि जो सबसे लास्ट में है वो आपका क्या होगा पहले होगा। यानी अब हम लोग उल्टा पढ़ेंगे, यानी उल्टा पढ़ेंगे तो इसका मतलब जेड वाई एक्स डब्ल्यू ऐसा करके, तो जेड वाला नाम जो होगा वो पहले होगा, जिसमें कहीं जेड वाला नाम है नहीं है, वाई वाला है नहीं है, एक्स वाला है नहीं, डब्ल्यू नहीं है, भी है। हाँ, भी में आपका क्या है पहले आपका विशाल है, तो पहला आपका यहाँ से विशाल होगा। और या तो ये जो असेंडिंग ऑर्डर में रहेंगे इसी को हम पीछे से लिखेंगे ना, वो आपका किस में आ जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो जैसे विशाल हो गया, इसके बाद यहाँ से राम लिखे, इसके बाद आपका यहाँ से कमल और लास्ट में यहाँ से क्या होगा आपका अंबर होगा। इसका मतलब क्या है कि देखिए आरोही क्रम बढ़ते क्रम में किया तो अंबर का नाम आपका पहले आया, लेकिन जैसे अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम में कर दिए तो इसका ये सबसे क्या हो गया लास्ट में हो गया, ठीक है। तो ये था आपका होम मेनू, है ना। नेक्स्ट मेनू अब हम लोग पढ़ेंगे इंसर्ट, ठीक है, जिसमें इंसर्ट मेनू का मतलब होता है लाना, यानी पेज पर आपको कुछ भी लाना होता है, यानी एमएस वर्ड के पेज पर कुछ भी लाना होगा तो हम कहां जाएंगे
इंसर्ट मेनू पे, ठीक है, इंसर्ट मेनू हेडिंग देते हैं, इंसर्ट मेनू, ठीक है। देखिए इंसर्ट मेनू में क्या होगा कि सबसे पहला आपका यहां से टेबल है, ठीक है, इंसर्ट मेनू में सबसे पहला क्या है, टेबल। तो टेबल का मतलब, कंप्यूटर में टेबल का मतलब क्या होता है कि एमएस वर्ड में टेबल का मतलब, या कहीं पे भी किसी भी एप्लीकेशन में टेबल का मतलब होता है सेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, यानी कॉलम और रो के एक सेट को हम लोग क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं। तो जैसे देखिए, मान के चलिए कि अगर हम ऐसा करके एक शेप बनाते हैं, तो इस शेप में क्या होता है कि अगर हम ऐसा वाला अगर लाइन बनाए तो ये आपका क्या होता है, रो कहलाता है। जैसे अगर इस टेबल में अगर हम ऐसा एक बनाए तो क्या बना, एक रो बना, ठीक है। इस तरह से और अगर बना देते हैं तो ये सारा आपका क्या बनता जा रहा है, रो बनता जा रहा है। इसका मतलब इस टेबल में रो की संख्या जो है आपका यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, यानी ये वाला जो कहलाता है ये आपका क्या कहलाता है, रो कहलाता है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम ऐसा करके अगर बना दें तो ये वाला क्या बनता जा रहा है, आपका कॉलम बनता जा रहा है, ठीक है। तो जैसे अगर ये वाला देखा जाए, कॉलम यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, यानी इसमें कॉलम की संख्या भी कितना हो गया, 5 हो गया, कॉलम की संख्या भी 5 और रो की संख्या भी 5। तो ये वाला क्या है ना कि ऐसा आप एमएस वर्ड में जितना कॉलम का बनाना चाहे बना सकते हैं और रो भी बनाना चाहे बना सकते हैं। बस ध्यान रखिए कॉलम की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि एमएस वर्ड का जो पेज का जो चौड़ाई होता है ना वो लिमिट में आता है। तो आप इसके कॉलम की संख्या बहुत ही ज्यादा कर देंगे तो उतना कॉलम हम लोग अरेंज नहीं कर पाएंगे, जबकि रो हम लोग जितना चाहे उतना बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक पेज पर आपका टेबल अरेंज नहीं होता है तो दूसरा पेज पर होगा, दूसरा पर अरेंज नहीं होगा तो तीसरा पेज पर होगा, तीसरा पर अरेंज होगा चौथा पेज पर, ऐसे आपका बहुत सारा पेज ला सकते हैं, लेकिन कॉलम आप ज्यादा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ कि ये वाला तो कॉलम हो गया और ये वाला आपका क्या कहलाता है, रो कहलाता है। और एक एक पैकेट को जो जो ये जो डब्बा दिख रहा है, इस एक एक डब्बा को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सेल करते हैं, और इस पूरे को हम लोग यहाँ से टेबल करते हैं। तो एमएस वर्ड के पेज पर इस तरह से अगर आपको टेबल बनाना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट मेन्यू में जाके टेबल का यूज करेंगे। तो जब भी आप टेबल बनाने जाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि आपसे नंबर ऑफ कॉलम की संख्या पूछेगा और नंबर ऑफ रो की संख्या पूछेगा, क्योंकि बिना रो और बिना कॉलम का हम टेबल तैयार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका प्रोसेस लिखते हैं। इसका प्रोसेस होगा आपका इंसर्ट, इसके बाद टेबल पे जाएंगे और इसके बाद इंसर्ट टेबल पे क्लिक, ठीक है। यानी क्या करना है, आपको इंसर्ट मेन्यू पे जाना है, टेबल पे जाना है, और जैसे इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपसे मांगेगा नंबर ऑफ रोज, ठीक है, और इसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। यानी जब भी आप टेबल बनाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि कितना रो और कितना कॉलम का टेबल बनाना है। तो मान के चलिए कि अगर हमको अभी जैसा टेबल हम ड्रॉ किए थे उस तरह का टेबल बनाना होगा तो नंबर ऑफ रो में भी 5 देना होगा और नंबर ऑफ कॉलम में भी क्या करना होगा, 5 देना होगा। और जैसे ओके करेंगे तो इसका मतलब आपके पास एक टेबल बनेगा जिसमें रो की संख्या भी आपको 5 होगा और कॉलम की संख्या भी 5 होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है हम इंसर्ट टेबल से तो टेबल बना सकते हैं, इसके अलावा इसी एमएस वर्ड में ना हम टेबल ड्रॉ करके भी बना सकते हैं, ठीक है। इसी इंसर्ट मेनू में देखिएगा ड्रॉ टेबल होगा, तो ड्रॉ टेबल का मतलब टेबल ड्रॉ करके बनाना, और ड्रॉ करके बनाने का मतलब होता है कि आपके पास एक पेंसिल दे दिया रहेगा, यानी माउस का जो प्वाइंटर है वो आपका पेंसिल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है।
और उस पेंसिल के जरिए क्या हुआ कि आप जितना कॉलम का बनाएंगे एक एक करके आप कॉलम बनाएंगे, एक एक करके रो बनाएंगे और तब आपका क्या होगा पूरा टेबल तैयार होगा। और उसके दौरान आपका इरेजर वगैरह भी है कि अगर कोई लाइन अगर पेंसिल के जरिए गलत खींच दिए हो तो आप इरेजर के जरिए मिटा भी सकते हैं। इसका मतलब ड्रॉ टेबल के जरिए आप जितना चाहेंगे उस हिसाब से आप एक एक करके बना सकते हैं, लेकिन इंसर्ट टेबल में क्या होगा कि एक ही बार में रो और कॉलम की संख्या डालिए और इसके बाद आपका बन गया। तो ये वाला प्रोसेस थोड़ा सा आसान है और ये वाला प्रोसेस थोड़ा सा कठिन है, लेकिन हालांकि इसका भी मार्केट में यूज होता है और ये वाला भी यूज होता है। इसमें जब भी होगा रो और कॉलम की संख्या बराबर बराबर भाग में बट जाएगा, लेकिन इसमें ड्रो टेबल के जरिए बराबर बराबर भाग में नहीं, आप जैसा चाहेंगे जहां पर चाहेंगे वहां पर लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग इंसर्ट मेनू में क्या बताएं कि इंसर्ट मेनू का मतलब ये होता है कि पेज पर कुछ भी लाना होगा तो हम लोग इंसर्ट मेनू पे जाएंगे। इसका मतलब इसमें जितना भी मेनू दिया हुआ है हर मेनू से कुछ ना कुछ आता है, तो जिसमें सबसे पहले आप लोग पढ़े टेबल, तो टेबल का मतलब टेबल लाने के लिए, तो उसी तरह आगे और भी जो भी मेनू हम लोग पढ़ेंगे उस सारे का काम होता है लाना। यानी सीधे बात हम समझिए कि ऑफिशियल वर्क के दौरान अगर कोई आपको ये बोल दे कि एमएस वर्ड में ये लाकर लाना है तो सीधे लाने का बात अगर कर दिया जाए तो इसका मतलब लाने का काम एक ही मेनू से होता है, वो इंसर्ट से। कुछ लाना हो तो सीधे हम लोग को कहां जाना होगा, इंसर्ट मेनू में। और इसके पहले वाला जो होम मेनू पढ़े तो होम मेनू से क्या होता है वो ज्यादातर टेक्स्ट पर काम होता है, ठीक है। यानी जो भी कुछ आप लिखते हैं उसमें कुछ एडिटिंग करना हो, उसमें कुछ बदलाव करना या उससे रिलेटेड काम करना हो तो हम लोग होम मेनू का यूज करते थे, लेकिन इंसर्ट में लाने के लिए। तो जैसे पहला टेबल था तो टेबल लाने के लिए, अब इसके बाद यहाँ से पिक्चर लाना तो हम लोग पिक्चर ला सकते हैं। इसी में अगर यहाँ से क्लिप आर्ट दिया हुआ तो क्लिप आर्ट ला सकते हैं। इसी में अगर आप यहाँ से सेफ दिया हुआ तो सेफ ला सकते हैं। यानी लाने का काम होगा तब हम इन सब साथ का यूज करेंगे। तो जिसमें देखिए सबसे मतलब पहला है पिक्चर। पिक्चर का मतलब होता है कोई भी फोटो लाने के लिए, कोई भी फोटो, कोई भी एक्टर एक्ट्रेस नेचर किसी का भी फोटो लाना हो तो हम लोग कहाँ जाएंगे, पिक्चर मेनू पे। उसका प्रोसेस होगा आपका यहाँ से इंसर्ट मेनू पे जाइए, इसके बाद पिक्चर पे जाएंगे तो ये आपके क्या होगा कि आपके कंप्यूटर पर लेके चला जाएगा, ड्राइव पर लेके चला जाएगा। तो उसमें आप जो भी फोटो रखे होंगे कंप्यूटर पर उस फोटो को क्या कीजिए, चूज कीजिए, यानी चूज यानी फोटो, और इसके बाद यहाँ से इंसर्ट इन क्लिक। जैसे इंसर्ट पे क्लिक कीजिएगा वो फोटो कहाँ आ जाएगा, आपके एमएस वर्ड के पेज पर, ठीक है। और क्लिप आर्ट से भी क्या कर सकते हैं कि हम लोग फोटो ला सकते हैं, लेकिन क्लिप आर्ट वाला फोटो और पिक्चर वाला फोटो में अंतर है। पिक्चर वाला फोटो में किसी सलमान खान का फोटो लाना चाहे तो ला सकते हैं, लेकिन क्लिप आर्ट में कोई सलमान खान का फोटो नहीं होता है। क्लिप आर्ट का फोटो मतलब होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होता है, जो ज्यादातर शादी कार्ड वगैरह में या कोई डिजाइन वगैरह ब्लैक एंड व्हाइट डिजाइन तैयार करने में जो है यूज होता है। जैसे क्लिप आर्ट मतलब ये भी हुआ कि शादी कार्ड में जो छोटा सा कलर, छोटा सा गणेश जी जो ब्लैक एंड व्हाइट होता है ना, वो सब सारा। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होता है वो आपका क्या होता है, क्लिप आर्ट होता है। अगर वो फोटो चाहिए तो ये आपका क्या करना होगा कि इंसर्ट क्लिप आर्ट पे जाइए और इसके बाद आप क्या होगा कि एक बॉक्स खुलेगा सर्च का, उस सर्च बॉक्स में जिस भी टाइप का फोटो चाहिए वो आप नाम लिखे और जैसे गो पे क्लिक करेंगे तो आपका फोटो आ जाएगा। उसमें से जो फोटो चाहिए आपको उसको क्या करना है, चूज यानी क्लिप आर्ट इमेज, ठीक है। और एक खास बात क्या है कि आपके कंप्यूटर में डिफॉल्ट जो है बहुत सारे क्लिप आर्ट का कलेक्शन नहीं होता। जो लोग शादी कार्ड का काम करता है ना वो बहुत सारे क्लिप आर्ट फोटो का एक कलेक्शन करता है, ठीक है। इसके बाद उसके कंप्यूटर में स्टोर होता है और वहां से क्या होता है कि जब सर्च करेगा तो सब सारा फोटो आ जाएगा। लेकिन आप अगर ऐसे बिना आपको डाउनलोड किए हुए क्लिप आर्ट अगर सर्च करेंगे तो जो फोटो डिफॉल्ट होगा एमएस वर्ड पर वही फोटो आपके सामने शो करेगा, ठीक है। तो जो लोग काम करता है वो लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटो यानी क्लिप आर्ट फोटो का कलेक्शन रखता है ताकि जब भी जरूरत पड़ा वो यूज कर सके। और नेक्स्ट है आपका यहाँ से सेव। सेव का मतलब होता है आकार।
तो जैसे आपको क्या करना होगा, जैसे सर्कल बनाना होगा, लाइन खींचना होगा, रेक्टेंगल बनाना होगा, या स्क्वायर बनाना होगा, या स्माइल फेस बनाना होगा, या जैसे यानी किसी भी तरह का अगर आपको आकार बनाना होता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, शेप मेनू का। तो उसका प्रोसेस होगा आपका यहाँ से इंसर्ट, इसके बाद आप यहाँ से शेप में जाइए, ठीक है, क्या करेंगे इंसर्ट शेप में जाएंगे और बहुत तरह का शेप मिलेगा, उसमें से क्या करना है कि जो भी आपको चाहिए चूज यानी शेप स्टाइल, जैसा भी चाहिए उस स्टाइल को चूज कीजिए और इसके बाद ड्रॉ ऑन द पेज। ड्रॉ ऑन द पेज का मतलब पेज पर ना आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने का मतलब क्या है कि माउस का जो पॉइंटर है वो दबाते हुए आपको स्क्रीन पर क्या करना है, खींच देना है। तो जैसा शेप आप सेलेक्ट किए होंगे वैसा आपका पेज पर ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है।